सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बला सुबह आज नेशनल साहित्य उत्सव आंध्र के गुंटकल में हो रहा है और यहाँ हिंदुस्तान के 24 सूबों से बच्चे मौजूद हैं जो अपने अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। बिला शुबह यह अबू अजीम शान प्रोग्राम, ये बेहतरीन प्रोग्राम, हिंदुस्तान का मुनफरिद प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह खुश उसलूबी के साथ जारी वसारी है। और मैंने अभी तक मुल्क के कोने कोने से आए हुए टीम मैनेजर्स से मुलाकात किया और गुंटकल के लोगों से मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, उनका बयान यह है कि अभी तक इस तरह के प्रोग्राम न सुनने में कभी हमें आया था और न कभी हमने देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम 3-4 स्टेजों पर हो रहा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे इस प्रोग्राम से पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। बिला शुबह ये हमारा प्रोग्राम एक फ़नी, अदबी, सकाफती, लिसानी, तहजीबी और एक कल्चरल प्रोग्राम है जिसका असर तादेर इंशाअल्लाह कायम रहने वाला है और नौजवान नस्लों को, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कल्चर, एक फ़न, उनकी तहजीब, उनकी सकाफत से उन्हें हम रोशनाश करा रहे हैं, इसका एक देरपा असर रहने वाला है। मैं अपने तमाम सामईन को और तमाम नाजरीन को और जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को दामे गिरमे कदमे सुखने जिस तरह भी हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में और हमारी मदद की है, हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें, हमारा तआवुन किया है, मैं उन सब के हक़ में दुआ करूंगा कि मौला तबारक व ताला उनके इल्म, अमल, फजल, तक़वा, तहारत, उनके घर में, मकान में, दुकान में, कारोबार में, रिस्क में, औलाद में अल्लाह तबारक व ताला खूब बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेशनल साहित्य उत्सव यूनिट से लेकर यूनिट, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर नेशनल पार्टिसिपेंट्स उन लोगों का ये अच्छा प्रतिभा, तुम उन लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसमें शामिल करके जीते हुए फर्स्ट वालों को हम नेशनल लेवल पर ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है इस साल का साहित्य उत्सव, नेशनल साहित्य उत्सव अभी आंध्र प्रदेश गुंडकल में माशाल्लाह कल ये शाम को शुरू किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह साहित्य उत्सव का प्रोग्राम्स वगैरह चल रहा है माशाल्लाह। ये लोकल लोग गुंडकल वाले बहुत अच्छी तरह हमारा सपोर्ट कर रहा है माशाल्लाह, और इधर लोकल MLA वगैरह हमारा सब लोग हमारे लिए माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साहित्योत्सव में आए हुए बच्चे, हिंदुस्तान का हर कोने कोने से आए बच्चे माशाल्लाह, उनको एक जान मिला, उनको एक नया एक विजन भी इधर से मिल रहा है, क्योंकि वो कश्मीर और पूरा स्टेट से अलग अलग कल्चर वाला बच्चे एक ही जगह में जुड़े तो माशाल्लाह आपस में उन लोगों का ये बातचीत भी हो रहा है, इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा एक अच्छा विजन भी इधर से लोगों को मिल रहा है, वो केरला का बच्चे को, बाहर बच्चों का और सब हर स्टेट बच्चों को अपना अपना राय पेश के लिए, भेजने के लिए अपना अपना ये आपस में
और देने के लिए भी मौका मिलता है। यह भी साहित्य उत्सव का एक फीलिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाबी हिंदुस्तान का हालात में ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कौम थोड़ा डर में रहते हैं, ऐसा ऐसा मीडिया में वो देखे ऐसा कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चा एक अच्छी तरह हमका ये माशाल्लाह अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, मुजाहरा करने के लिए मौका मिल रहा है, इसलिए बहुत खुशी में है सब लोग। पूरा डर जा डर से बच गए हैं, बच जाके अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन और उन लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये साहित्य और सबको बहुत फ़ायदा उठाए। इंशाल्लाह अगले साल में इससे बड़ा एक साहित्य उत्सव इंशाल्लाह हो जाएगा, ये नेशनल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे, बहुत लोग हमारे लिए हेल्प कर रहा है ये साहित्य उत्सव के लिए, सबको अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।